हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी अंधाधुन की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिकारी को देख पाते हैं जो कि एक खरगोश का पीछा कर रहा था। वो काफी बार खरगोश पे शूट करता है लेकिन खरगोश हर बार बचता जा रहा था। खरगोश भागता भागता एक सड़क के किनारे तक पहुँच जाता है। शिकारी काफी ध्यान लगाकर खरगोश पे निशाना लगाकर शूट कर देता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। कहानी फ्लैशबैक में आती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि आकाश अपने पियानो को प्ले कर रहा होता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो देख नहीं सकता, यानी कि वो अंधा है। आकाश एक किराए के घर में रहता है और उसके साथ उसकी पालतू बिल्ली रानी भी रहती है। आगे हम बंधु नाम के एक छोटे लड़के को देख पाते हैं जो कि पैसों के लिए हमेशा आकाश को तंग किया करता था। इसके बाद आकाश बस पकड़कर एक म्यूजिकल शॉप पे पहुँचता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो किसी म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा था और साथ ही अपने पर्सनल खर्चे निकालने के लिए वो लोगों को म्यूजिक क्लासेस दिया करता था। दूसरी तरफ हम सिमी के घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे सिमी और उसका पति प्रमोद आपस में बातचीत कर रहे थे। हालांकि सिमी की एज प्रमोद से काफी कम थी लेकिन जवानी टाइम में प्रमोद ने काफी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज में काम किया था। उसके पास नाम, दौलत, शोहरत और पैसा था, इसी वजह से सिमी ने उसके साथ शादी कर ली थी। इधर हम आकाश को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक लड़की की स्कूटी उससे टकरा जाती है जिसका नाम होता है सूफी। वो उसे बार बार सॉरी कहती है, हालांकि गलती तो उससे हुई थी। तो आकाश से सॉरी कहने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है। बातों ही बातों में सूफी को ये पता चलता है कि आकाश को पियानो प्ले करना काफी अच्छा लगता है, इसी वजह से वो उसे अपने पिता के पास पियानो प्ले करवाने के लिए ले जाती है। यहाँ पे उसके पिता को और साथ ही सूफी को उनके रेस्टोरेंट के लिए ऐसे ही किसी शख्स की जरूरत थी। आकाश की सिंगिंग स्किल्स देखते हुए उसके पिता काफी खुश होते हैं और उसे इस रेस्टोरेंट में पियानो प्लेयर की जॉब पे रख लेते हैं, जिसके बाद सूफी आकाश को उसके घर तक छोड़कर आती है और साथ ही ये भी पूछती है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो आकाश बताता है कि बचपन में उसके सर पे क्रिकेट बॉल लग गई जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जब घर में कोई नहीं होता तो वहाँ पर आकाश अपनी नकली कॉन्टेक्ट लेंसेज को निकालता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अंधा नहीं है बल्कि देख सकता है और सिर्फ अंधा बनने की नाटक कर रहा था। अगले दिन आकाश रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस सभी के सामने देता है। सभी लोग उसका गाना सुनकर काफी खुश थे। इस वक्त उन ऑडियंस में मिस्टर प्रमोद भी मौजूद थे जो कि आकाश का गाना सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे सूफी और आकाश की नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह रेस्टोरेंट में एक बार म्यूजिक प्ले करते समय प्रमोद उसके पास आता है और कहता है कि तुम काफी अच्छा प्ले करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पर्सनल बन जाओ। ये लो मेरा कार्ड और मेरे एड्रेस पे बताए गए समय पर पहुँच जाना। मेरी वाइफ को भी म्यूजिक का काफी शौक है, वो तुम्हें देखकर काफी खुश होगी। आगे हम देखते हैं कि जब सोफी आकाश को घर छोड़ने के लिए जाती है तो काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए सोफी वहीं रुक जाती है। अब समय का फायदा उठाते हुए आकाश उसे ड्रिंक ऑफर करता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच हमें एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले दिन आकाश मिस्टर प्रमोद से मिलने के लिए जाता है। डोरबेल बजाने पर सिमी दरवाजा खोलती है। आकाश अंदर तो आना चाहता है पर सिमी उसे आने से मना करती है क्योंकि प्रमोद ने उसे आकाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसी वक्त सिमी के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनने लगती है। अब सिमी आकाश को घर के अंदर बुला लेती है। इसके बाद सिमी उसे पियानो पे बैठाती है और कहती है कि प्रमोद कहीं बाहर गए हैं, बस 10 मिनट में आ जाएंगे, तब तक तुम कुछ प्ले कर सकते हो। जिसके बाद आकाश पियानो बजाना स्टार्ट करता है मगर कुछ ही देर बाद उसे घर में एक लाश दिखाई पड़ती है। हालांकि सिमी के लिए अभी तक वो एक अंधा इंसान ही था। इसके बाद आकाश बाथरूम जाने के बहाने ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये लाश किसकी है, जहां उसे फाइनली पता चल जाता है कि लाश प्रमोद की है। और जब वो बाथरूम पहुंचता है तो वहां पर उसे एक शख्स और दिखाई पड़ता है। वो एक पुलिस वाला था और वो चाहता तो बंदूक से उसे शूट कर सकता था लेकिन वो देखता है कि सामने वाला इंसान अंधा है, इसलिए वो उसे शूट नहीं करता। आकाश को पता चल चुका था कि प्रमोद को मारने में इन दोनों का ही हाथ है। आकाश वापस से एक पियानो पे बैठता है और पूछता है कि 10 मिनट हो गए, क्या प्रमोद जी आने वाले हैं। तो सिमी उसे बताती है कि आज प्रमोद जी बिजी हैं
और आने में उन्हें टाइम लगेगा। ये सुनकर वो अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर वो वहीं पे वेट करता है। तभी उसे पता चलता है कि जिसे उसने बाथरूम में देखा था वो एक बड़ा सा बैग लेकर कार में कहीं दूर ले जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद आकाश पुलिस स्टेशन पहुँचता है और इस बात की खबर पुलिस को करता है, लेकिन तभी वहाँ वही पुलिस वाला पहुँच जाता है जिसने उस बैग को शिफ्ट किया था। अब वो पुलिस वाला समझ जाता है कि आकाश अंधा नहीं है, उसने सब कुछ देख लिया है। जिसके बाद आकाश पूरे मामले को ठीक तरीके से संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ तो मैं सिर्फ अपने बिल्ली के मर्डर केस की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, वो 2 दिन से गायब है और मुझे मिल नहीं रही है। लेकिन इंस्पेक्टर तो समझ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसी वजह से वो आकाश के घर जाता है। आकाश यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करता है अंधा होने की, और पुलिस वाले को सचमुच लगने लगता है कि हाँ वो अंधा ही होगा। अब अगले दिन न्यूज रिपोर्टर और मीडिया टीवी में ये बता रही थी कि प्रमोद का आपातकालीन निधन हो चुका है, मगर लोगों का कहना है कि उनकी हत्या हुई है। अब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आकाश को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रमोद की पहली बीवी की बेटी दानी से होती है, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सिमी और मनोहर ने प्रमोद को मारकर उसके 1 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं, और साथ ही इसके अफेयर के बारे में प्रमोद को पता चल चुका था, इसी वजह से मनोहर ने उसे जान से मार डाला। इसके बाद अगले दिन प्रमोद का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत पुलिस वाले को ये बताने लगती है कि सिमी के घर पर एक हट्टा कट्टा इंसान आया था, उसकी सीधी पॉइंटिंग मनोहर पर ही थी। वहीं बैठा आकाश पियानो प्ले कर रहा था, जहां पर दानी आकर उससे पियानो सीखने की गुजारिश करती है और आकाश भी उसे पियानो सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन आकाश फिर से सिमी के घर पहुंचता है, मगर इस बार वो देख पाता है कि सिमी ने उस बूढ़ी औरत को ऊंचाई से धक्का देकर जान से मार डाला। पुलिस वहां आकर एक एक्सीडेंट केस समझकर उसे क्लोज कर देती है। ये सब कुछ देखकर आकाश जल्दबाजी में अपने घर पहुंचता है और ये सारी बात सूफी को बताने के लिए उसे कॉल करता है, मगर तभी नीचे खेलता बंदू आकाश की रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसे ये लगता है कि आकाश अंधा नहीं है और आज इतनी जल्दबाजी में घर पर एकदम सटीक सीढ़ियों पर चढ़कर वो कैसे पहुंचा? ये सारी बातें बंदू को परेशान कर रही थी, इसलिए वो आकाश की रिकॉर्डिंग करने लगा था। और उस रिकॉर्डिंग के बाद बंदू को पता चल जाता है कि आकाश सिर्फ अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर सिमी पहुँचती है। आकाश कहता है कि आपको क्या काम है, तो सिमी बताती है कि बस मैं तो मंदिर गई थी तो सोचा प्रसाद तुम्हें दे दूं। फिर वो आकाश को कॉफी बनाने को कहती है। थोड़ी देर बाद जब आकाश कॉफी बनाकर उसके सामने रखता है तो वो उसके आंखों के सामने दूसरे कप के अंदर कुछ मिलाने लगती है। अब आकाश तो अंधा था नहीं, तो वो जानता था कि वो ये कॉफी पिएगा तो मर जाएगा, इसलिए वो उस कप को जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है। ये सब कुछ देखकर सिमी को पता लग जाता है कि वो सिर्फ अंधा बनने का नाटक कर रहा है और वो उसके सर पे गन तान देती है और कहती है कि आखिर तुमने अंधा होने की एक्टिंग क्यों करी। तो आकाश उसे सब कुछ सच सच बताता है और ये कहता है कि थोड़ी समय के बाद मेरा एक म्यूजिक कंपटीशन है और जहाँ तक रही कुछ पेशेवर लोगों की तो वो लोग म्यूजिक को ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं बस एक अंधे की तरह अपने म्यूजिक को सोच रहा था कि अगर मैं अंधा होता तो अपने म्यूजिक को ज्यादा बेहतर तरीके से प्ले कर पाता, ये बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और बातें करते करते आकाश बेहोश हो जाता है क्योंकि जो प्रसाद उसने खाया था उसमें नशीली दवा थी। इसके कुछ समय बाद सूफी वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन बंदू उसे अपने मोबाइल में आकाश का वीडियो दिखाता है और बताता है कि आकाश को सब कुछ दिखता है, वो तो बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। इस बात से सूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से आकाश के दरवाजे को खटखटाने लगती है। यहाँ पे सिमी दरवाजा खोलती है और यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि आकाश और सिमी फिजिकल हो रहे थे। आकाश पलंग पे लेटा था और सूफी उसे देखकर हैरान थी और सिमी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों के बीच थोड़ी देर पहले रोमांस हो रहा था। ये सब देखकर सूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जब आकाश की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो सचमुच अंधा हो चुका है। सिमी ने उसके कॉर्नियाज को खराब कर दिया था, उसकी आई साइट पूरी तरीके से जा चुकी थी। सिमी ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि आकाश मीडिया या फिर पुलिस को उसकी सच्चाई न बता सके, क्योंकि अंधे पर तो कौन ही विश्वास कर सकता है। अब आकाश पूरी तरह से फंस चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे,
इधर मनोहर सिमी से मिलने उसके घर आता है। सिमी उसे बताती है कि उसने आकाश को सच में अंधा कर दिया है, लेकिन मनोहर कहता है कि इतना कुछ काफी नहीं रहेगा, वो इस वक्त हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे पूरी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो गुस्से में आकाश को मारने उसके घर पे जाता है। यहाँ पर आकाश उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा हाथापाई होती है। मनोहर आकाश को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से जैसे तैसे भागकर घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से सीधा मेन रोड की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन आकाश को एक हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्वामी उसे बताते हैं कि सकुबाई और मुरली को तुम कल रात रोड पर मिले, इसलिए वो तुम्हें मेरे पास लेकर आए। आकाश उनसे बार बार ये गुजारिश करता है कि मुझे जल्दी से किसी आंखों के डॉक्टर के पास लेकर जाइए, लेकिन स्वामी उससे कहता है कि तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, तुम्हें अभी यहीं रहना पड़ेगा, मैं बाद में तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। वहीं रात में हमें पता चलता है कि स्वामी अपाहिज पड़े लोगों को और साथ में जो दर बदर घूमते रहते हैं उन लोगों के बॉडी ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा करता था, जिसमें सकू और मुरली भी उसका साथ निभाते थे। स्वामी ये चाहता था कि आकाश की दोनों किडनियां निकालकर बेचते और काफी मुनाफा कमाए, लेकिन दूर खड़ा आकाश उनकी ये बातें सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ लालच में मेरे शरीर से किडनियां निकालने वाले हैं, तो वो मनोहर और सिमी की बातें उन सभी को बता देता है और कहता है कि 1 करोड़ उसने छिपाए हैं, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो वो 1 करोड़ आपका होगा। जिसके बाद अब इन चारों की टीम बन जाती है और ये लोग मिलकर सबसे पहले सिमी को किडनैप कर लेते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ में उस 1 करोड़ के होने का प्रूफ सिमी के मुंह से निकलवा लेते हैं। आकाश कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। तो स्वामी उससे कहता है कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप और साथ ही सिमी का ब्लड ग्रुप सेम हुआ तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उसकी आंखें तुम्हें दे दी जाएगी। अब इन सब का प्लान था कि सिमी के बदले वो मनोहर से 1 करोड़ रुपया ले ले, मगर जब मनोहर वो 1 करोड़ रुपया लाने वाला था उसी टाइम पहले स्वामी कुछ काम से बाहर निकल जाता है और पीछे से सकू और मुरली आकाश को सिमी के साथ ही बांध देते हैं। इसके पीछे का कारण था, वो खुद ही सारा पैसा लेकर भाग जाना चाहते थे। इधर मनोहर पैसे लेकर आया होता है, लेकिन तभी मुरली उसे काफी जोरदार घायल कर देता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा हाथापाई होती है, मुरली बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद सकुबाई मुरली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि मुरली का ज्यादा खून बह जाने के कारण हम उसे बचा नहीं पाए। आगे सकुबाई को ये भी पता चलता है बैग चेक करने पर कि सिर्फ ऊपर की पहली परत की नोट ही असली थे और नीचे सिर्फ कागज भरे थे। इधर सिमी आकाश से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दे सकती हूँ और साथ ही तुम्हारी आंखों का इलाज भी करवा सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे खोलना पड़ेगा। आकाश तो इन सारे झमेलों से निकलना चाहता था, इसीलिए वो सिमी के हाथ खोल देता है, मगर ये सब उसकी चाल थी, जिसके बाद वो आकाश को काफी बुरी तरीके से पीटती है। इन दोनों की चलती लड़ाई के बीच स्वामी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद डॉक्टर सिमी को उसके हाथ पैर बांधकर कार की डिक्की में डाल देता है और आकाश को कार में अपने साथ कहीं ले जाता है। आकाश उससे पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो डॉक्टर बताता है कि हमारे हाथ लॉटरी लगी है, क्योंकि जब उसने सिमी का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया था तो उसे पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप BRH नेगेटिव है, जो कि ये काफी रेयर ब्लड ग्रुप होता है। दुबई के एक शेख की बेटी को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप भी यही है और शेख इसके बदले मुंह मांगी कीमत दे सकता है, इसलिए हम यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ पे एक प्राइवेट जेट हमारा इंतजार कर रहा है। साथ ही स्वामी उससे ये भी कहता है कि इस पूरे काम को कर देने के बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। लेकिन आकाश कहता है कि सर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता और जो हम ये काम कर रहे हैं ये गलत है, इससे तो किसी की जान चली जाएगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देख पाते हैं, जहां पर यूरोप में एक रेस्टोरेंट में आकाश बैठकर पियानो प्ले कर रहा होता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि वो इस वक्त भी अंधा है। उसकी म्यूजिक की आवाज सुनते सुनते सूफी भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि वो भी उस वक्त यूरोप में ही मौजूद थी। इसके बाद ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं,
तो सोफी पूछती है कि आखिर इंडिया से यहाँ यूरोप तक की जर्नी कैसे हुई। तो आकाश उससे बताना शुरू करता है कि उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद यहाँ से कहानी आगे फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं कि कार के अंदर ये दोनों बैठे होते हैं और पीछे से सिमी ने अपने हाथ खोल दिए होते हैं। कार में पीछे बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, इसलिए स्वामी उतरकर उसे बेहोश का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, मगर सिमी वो इंजेक्शन उसे ही मारकर गाड़ी में बैठ जाती है। और साथ में वो स्वामी और आकाश की बातें भी सुन ली थी कि वो उसका लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, तो वो आकाश को भी कार से उतार देती है और उसके बाद वो उसे कार से उड़ाने की कोशिश करती है। जहां हम ये देख पाते हैं कि ये वो सीन होता है जो कि मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, यानी कि खेत में एक खरगोश भाग रहा था और एक किसान उसके पीछे बंदूक लेकर पड़ा था। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाता है और ये वही सड़क थी जिस पर सिमी आकाश को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। और जब वो किसान खरगोश को गोली मारने वाला होता है तो खरगोश जान बचाने के लिए कूदता है, लेकिन वो खरगोश जाकर सीधा उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और सिमी की कार इनबैलेंस होकर उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सिमी मारी जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ पर सोफी आकाश को सिंपैथी देकर वहाँ से चली जाती है, मगर जाते वक्त वो आकाश से ये कहकर जाती है कि सिमी ने काफी लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद करी थी, तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी आंखों का इलाज करवा लेना चाहिए था। वहां से निकलने के बाद आकाश एक कैन को जोरदार लात देता है, इसका मतलब ये था कि आकाश इस वक्त देख सकता है। और अगर इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो आकाश ने जो स्टोरी सोफी को सुनाई थी वो झूठ थी, यानी कि आकाश ने डॉक्टर के साथ मिलकर सिमी की बॉडी की लिवर ट्रांसप्लांट कर दिए थे और उससे जो करोड़ों रुपया मिला उससे उसने अपनी आंखें ठीक करवा ली और फिर वो अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।